सिखाने जा रहा हूँ। ओम त्र्यम दशम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् तो आकर्ष यहाँ कर रहा है पढ़ाई और टाइम हो रहा है शाम के 7:30। और मैं जा रही पहले कंघी करूँगी, कंघी मैंने नहीं किया, आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा कि कंघी नहीं किया है। अभी जा रही कंघी करूँगी, फिर चलूँगी जाऊँगी किचन में, बनाना है मुझे खाना बनाना है, लेकिन उससे पहले बर्तन वगैरह साफ करना है। चाय वे जो मैंने पिए थे, और चाय आज शाम में 6:30 बजे ही हम लोग पी लिए थे, तो चाय का बर्तन पड़ा हुआ है, एक दो और थाली वगैरह, थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं शाम के टाइम में भी। तो बस जा रही हूँ अभी किचन में। और कान का मैंने कल खोल दिया था, रात में बहुत खुजली हो रही थी, मैं वो सटा वाला पहनती हूँ ना टॉप्स, तो उससे खुजली होने लगती है, मतलब ज़्यादा दिन में रेगुलर नहीं पहन पाती हूँ, तो एक आध दिन के लिए या फिर रात भर के लिए मैं खोल देती हूँ, फिर सुबह होकर पहन लेती हूँ, पर आज नहीं पहनी हूँ, अभी जा रही हूँ पहनने। और बड़ा वाला जो बाली टाइप का होता है वो मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे कान का छेद थोड़ा सा बड़ा होने लगता है अगर मैं वो पहनती हूँ तो, और टॉप्स पहनती हूँ तो उससे कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं वो बाली वगैरह नहीं पहनती हूँ, या फिर भारी वाले जो भी इयररिंग्स होते हैं वो मैं नहीं पहनती हूँ। इसलिए तो जा रही हूँ कंघी करूँगी और इयररिंग पहनूँगी अभी, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में किचन में, देखती हूँ खाने में मैं क्या बनाऊँगी, खाने में क्या बनाऊँगी, कुछ बनाने का मन हो रहा है, कुछ अलग सा, कुछ अच्छा सा, कुछ अच्छा सा क्या बनाऊंगी देखती हूँ, चलती हूँ किचन में। पहले से मेरा डिसाइड नहीं हो पाता, मेरी यही आदत सबसे मतलब ख़राबी है समझो, मैं पहले से सोच ही नहीं पाती हूँ, जब मैं किचन में जाऊँगी फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या बनाना, पहले से मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी आज खाने में, चाहे वो मॉर्निंग में हो या फिर नाइट में हो, कभी भी मैं खाने के बारे में पहले से मैं नहीं सोच के रखती हूँ। जब मैं किचन में जाऊँगी तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये सब्जी ये बना लेती हूँ, और टाइम के हिसाब से जो मुझे सही लगता है वो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में किचन में। बर्तन मैंने धुल लिया है और अभी मैं बनाऊँगी अब खाना, खाने में मैं बनाऊँगी आलू परवल की सब्ज़ी और पूरी बनाऊँगी, तो पूरी खाए हुए बहुत दिन हो गया है तो मैं पूरी बनाऊँगी अभी, तो ये मेरे लिए अच्छा खाना हो जाएगा, क्योंकि हम रोज़ रोज़ पूरियाँ तो खाते नहीं हैं, खा भी नहीं सकते हैं, ऑयली ऑयली इतना ज़्यादा। बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उनको जब लंच में देती थी तो मेरा हो जाता था, मैं खाती थी अक्सर, अभी लेकिन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने परवल कट कर लिया है, मैं बनाऊँगी आलू परवल की सब्ज़ी हलवाई स्टाइल, थोड़ा सा लेकिन मेरे पास कुछ सामान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी वैसी बनाने की। और यहाँ पे आलू है दो उबले हुए, जो कि मैंने सुबह दाल बनाए थे तो उसमें डाला था। और यहाँ पे मैंने लिया है दो टमाटर, हरी मिर्च, 5 छोटे प्याज लिए हैं मैंने, और यहाँ पे लहसुन मैं इतना यूज़ नहीं करूँगी, लहसुन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, लहसुन थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी, क्योंकि इतना लहसुन फिर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए इन सबको पहले काट के अच्छे से साफ कर लेती हूँ और फिर सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है, उसमें मैं डाल दूँगी परवल को और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल डीप फ्राई तो नहीं करना है लेकिन हाँ अच्छे से फ्राई करूँगी तब तक जब तक कि हमारा परवल अच्छे से पक ना जाए, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, 5 मिनट में ये अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। और गैस का फ्लेम मैंने हाई ही रखा है, ढक्कन से बस कवर कर दिया है इसको, और आप देख सकते हैं ये परवल हमारा फ्राई हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी, उसी के बाद मैं उसी कढ़ाई में उसी ऑयल में सब्जी भी बनाऊंगी। तो पहले मैं परवल को निकाल लेती हूँ और फिर से तेल को गर्म ही है उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरे को होने देते हैं उसका कलर चेंज, और उसके बाद हम फिर डाल देंगे कटे हुए प्याज। प्याज इसमें थोड़ा डाला ज़्यादा डालें सॉरी तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को थोड़ा सा चला लूँगी, देन उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, अदरक का पेस्ट नहीं था मेरे पास, मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट लिया है, आप लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट लीजिए, और मेरे पास थानी तो मैंने नहीं लिया है, तो मैंने प्याज को थोड़ा सा चलाया है, देन उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से चला के मिक्स करके कवर करके ढक्कन से, और मैं इसको पकने दूँगी, तब तक हमारा प्याज लहसुन जो है वो अच्छे से फ्राई भी होगा और साथ ही साथ सॉफ्ट भी होते जाएंगे, गल भी जाएंगे हमारे प्याज। तो मैंने ढक्कन ढक दिया है और इसको धीरे धीरे चलाते हुए लगातार 2-3 मिनट पे मैं चलाती भी रहूँगी। तो हमारा प्याज लहसुन फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो मसाले में मैं क्या डाल रही हूँ, सबसे पहले मैंने धनिया डाला है, हल्दी डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च,
लाल मिर्च आप अपने तीखे के हिसाब से डालिए। मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाला है तो मैंने बहुत कम लाल मिर्च डाला है। वैसे लाल मिर्च कुछ लोग कम तीखा कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो तीखा आप अपने हिसाब से लें। तो मैंने लाल मिर्च बहुत थोड़ा डाला है और उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली आधी चम्मच। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं, तो मैंने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ी देर भून लूँगी मसालों के साथ में। उसके बाद इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर मैंने दो लिया है, एक बड़ा था एक छोटा सा था, मीडियम साइज़ के दो टमाटर लीजिए। आप ज़्यादा टमाटर भी बहुत खट्टा खट्टा हो जाएगा तो भी सब्ज़ी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ पे आप एक टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं इतनी सब्ज़ी में, तो मैंने टमाटर डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालते हैं सब लोग, तो बस इसमें यहाँ पे नमक डाल दूँगी ताकि हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, इससे क्या होता है कि मसाला जलता भी नहीं है, बहुत अच्छे से पक भी जाता है, टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा और अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स हो जाएगा। कवर करके छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सा मिक्स हो गया है, लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ पीस के डाला हो, तो ऐसा बिल्कुल बनना चाहिए। और काट के डालने से और पीस के डालने से दोनों के टेस्ट में बहुत अंतर होता है। तो हमारा मसाला सारा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो मैंने इसमें परवल ऐड कर दिया और इसको भी थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ में, पकाऊँगी परवल को एंड उसके बाद मैं इसमें और मसाले ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर मीट मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी मसाला हो जैसे किचन किंग वगैरह हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हलवाई जो होते हैं ना वो बिल्कुल मीट मसाला यूज़ करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे मीट मसाला यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। तो उसको डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको और भून लिया है। इसके बाद मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू उबले हुए हैं, मैंने इसको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर दिया है, तो या फिर आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आलू इसी टाइम पे मैंने डाला इसलिए ताकि जब आप मसाले के साथ में कोई भी सब्ज़ी को पकाते हैं ना तो सब्ज़ी के अंदर तक मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छे से जाता है। उसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया सबसे लास्ट में कसूरी मेथी। आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, मुझे याद नहीं था तो मैंने बाद में अभी ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से चलाऊंगी। देख सकते हैं आप हमारी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल मुझे जैसा चाहिए था वैसा बिल्कुल फ्राई हो गया है। तो बस अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी मैं ग्रेवी के हिसाब से ही ऐड करूंगी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है, चावल के साथ खानी है, पूरी के साथ खानी है, रोटी के साथ खानी है, तो मैं यहाँ पे बस पूरी या रोटी जो भी कह लीजिए उसके साथ मुझे खानी थी तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाला है। और ढक्कन कवर्ड करके मैं इसको 10-12 मिनट अभी उबलने दूंगी। सब्ज़ी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, परवल पका हुआ था, आलू पका हुआ था, फिर भी मैंने 10-15 मिनट इसको अच्छे से पकाया है। देन सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सब्ज़ी में, क्योंकि गरम मसाले के बिना ना हमारे यहाँ जो शादी में सब्ज़ी बनती है, भोज में, खासकर गांव में जो भोज में सब्ज़ी बनती है ना उसमें गरम मसाले बहुत अच्छे से डाला जाता है। तो मैंने भी डाला है 1 चम्मच भर के गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारी सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें आप खड़े गरम मसाले भी स्टार्टिंग में जब आप जीरे का तड़का लगाते हैं, तेज़पत्ता वगैरह, उसमें डाल सकते थे, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो कवर करके थोड़ी देर छोड़ दूंगी और हमारी सब्ज़ी बन करके हो गई है बिल्कुल तैयार। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी यमी यमी सब्ज़ी बनी है, बिल्कुल है ना, बहुत यमी बनी है। जितनी ये दिखने में लग रही है ना, ये खाने में भी इतनी ही यमी थी। तो हमारा खाना हो चुका है, सब्ज़ी हो चुकी है, तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर फटाफट से पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ बनाने के बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। और पूड़ियाँ आज मेरी बहुत फुली फुली बन रही थी इसलिए क्योंकि आज मैंने पूड़ी का आटा अच्छे से लगाया था, अलग से लगाया था। वैसे मैं पूड़ी का आटा हमेशा साथ में रोटी के साथ में लगाती हूँ तो मेरी पूड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं फूलती थी। आज सारी पूड़ियाँ बिल्कुल फुली फुली बन रही है तो बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसे जब पूड़ियाँ बनाओ एकदम फुली फुली बने तो मज़ा आ जाता है। तो वैसे ही तो बस पूड़ियाँ फटाफट से तल लेती हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं है, बाबू पहले ही खा चुका है और हम दोनों लोग ही खाएंगे, तो मैंने उसी हिसाब से 12-13 पूड़ियाँ मैंने बनाई थी। क्योंकि तो ये आप देख सकते हैं ये लास्ट वाली पूड़ी है, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी फूली कितनी अच्छी दिख रही है ना। तो खाना हमारा हो चुका है बनके तैयार, मैंने लगा लिया है प्लेट और आप देख सकते हैं पूड़ी है, सब्ज़ी है, प्याज है और मिर्ची फ्राई है।
तो आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही यमी सिंपल खाना, बिल्कुल भोज स्टाइल जो हमारे यहाँ गांव में शादी में बनती है वही वाला खाना है। तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया है और मैं सोने जा रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे दही जमानी है, तो मैं यहाँ पे दूध वाले बर्तन में ही दही को डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध को मैंने हल्का सा गुनगुना किया है, हल्का सा गुनगुना करने से क्या होता है ना, दही बहुत परफेक्ट जमती है बिल्कुल, तो हल्का सा गुनगुना किया है, वैसे गर्मी में ज़रूरत नहीं है लेकिन हल्का बिल्कुल गुनगुना कर लें आप तो उससे दही बहुत अच्छी जमती है। तो यहाँ पे दूध गर्म किया, अच्छे से उसको मिक्स किया मलाई वगैरह, फिर उसके बाद मैंने दही डाला और अच्छे से मिक्स किया। आप चाहो तो उसको दूसरे बर्तन में ऐसे जैसे उलट पलट के अच्छे से मिक्स कर सकते हो, बट मेरे से वैसे में गिरता है दूध, तो दूध गिरना अच्छी बात नहीं होती है, तो इसलिए मैं हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी 5 से 7 मिनट तक, ताकि दही जो है पूरे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं भी गुठली वगैरह ना रहे। और उसके बाद मुझे जिस बर्तन में जमाना है उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो मुझे इसी कटोरे में जमाना था तो मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा ऊपर से डाला है ताकि और अच्छे से मिक्स हो जाए, और ढक के रख दूँगी साइड में, दही बहुत अच्छी जम के तैयार हो जाएगी सुबह तक। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब रूम में, और रात में सोने जाना था, उससे पहले मुझे याद आया आज मैंने कपड़े तय नहीं किए हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ कपड़े तय। और बाबू देख लो कैसे शैतानी कर रहा है, आकर्ष जो है वो उस रूम में सोने जा चुका है बाबा के साथ, और यहाँ पे ये महाराज जी को देखो मैं कपड़े तय कर रही थी और वो इधर से उधर पूरा फैलाते जा रहे हैं, बच्चों का यही होता है। लास्ट में मैंने कुर्सी पे रखना शुरू किया, पहले मैंने बेड पे रखा था एक कपड़ा समेट के, तो तुरंत उठा के फेंक दिया, फिर मैं समेट करके उसको कुर्सी पे रख रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे लेके कपड़ा घूम रहा है इधर से उधर, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो चलिए कपड़ा भी हमारा तय हो चुका है, सारा काम खत्म हो चुका है, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से। वो कैमरे के सामने कर रहा है, तो अभी हमारा खाना पीना सब हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 11, और सब कुछ करके फ्री हो गई हूँ, बस जा रही हूँ सोने। बाबू भी खा लिया है, खा लिया ना, क्या खाया बाबू? वो सब लोग डर गए। हाँ बस जा रही हूँ सोने, टाइम भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रोज़ की अपेक्षा से कम, कल भी कम, लेकिन सुबह मैं जल्दी नहीं जगी थी। कल मैंने बोला था कि मैं जल्दी जगूंगी, लेकिन कल भी मैं जल्दी नहीं जगी थी, कल भी मैं सुबह 8:30 बजे, रात में 2 बजे हम लोग सोए हैं, मैं 2 बजे सोई थी, तो 4 बजे मूवी देख रहे थे बैठ के, नींद नहीं आ रही थी इनको, मुझे भी नहीं आ रही थी, मोबाइल चलाते चलाते फिर मैं सो गई थी, रात में 2 बजे मैं सोई थी और ये 4:30 बजे सुबह में शायद सोए हैं, फिर भी सुबह जल्दी में ऐसे जगे हैं, मैं बाद में जगी हूँ और होता है, मैं नहीं सुधरने वाली हूँ, बोल रहे थे तुम नहीं सुधरोगी कभी भी, बोलो कुछ भी करना वही है जो तुम्हारे मन में आएगा, तो कोशिश करती हूँ बट होता नहीं है मेरे से। तो मैं जा रही हूँ सोनी, और जो मैंने सब्ज़ी बनाई है उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा। उसमें एक दो चीज़ें नहीं थी मेरे पास जो हलवाई डालते हैं, जैसे तेज़पत्ता, खड़े गर्म मसाले, वो हमारे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाला, बाकी चीज़ें सब्ज़ी बहुत 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 अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी, तो मज़ा आ गया खाने में पूरी के साथ में सब्ज़ी। और अभी कपड़े पड़े थे सुबह से ही, मैंने उसको उठा के रखा था कुर्सी पे लेकिन मैंने नहीं समेटा था, तो अभी मैंने कहा चलो अभी ही समेट लेती हूँ, तो थोड़े से थे तो मैंने समेट लिया है, और अब टाइम आ गया है आप लोगों को बाय बाय करने का। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और आकर्ष उस रूम में बाबा के पास सोने गया है, मैं बाय बाय करने के बाद फिर आपसे बात करती हूँ। आकर्ष उस रूम में गया है सोने, बट वो सोएगा नहीं, 2 बार तो वो आ चुका है, फिर जाता है फिर आता है, लास्ट में वो यहीं आके सोएगा, उसे और कहीं नींद नहीं आती है। और बाबू देखो क्या कर रहा है, बेड में से सामान निकाल रहा है, ये देखो। तो चलिए फिर मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।